This video you're gonna see was supposed to be just a travel log, but it has become a vlog for this reason. Hey guys, good morning, welcome back to the channel. Now it's 8 AM, I am in Vidarbha Express going down to Nagpur. Actually I boarded the train yesterday from CSMT at 7 PM. This video was supposed to be a travel log and it became a vlog, and the reason is this. Okay, so finally I am back in Nagpur. Main yahan pe around 8:45 pahuncha and uske baad main fresh wagre hua, थोड़ा कटिंग की, ट्रिम किया, एंड देन आई एम टेलिंग यू द रीज़न वाई दिस ट्रैवल लॉग गॉट कन्वर्टेड इन टू अ व्लॉग. मेरे सेमेस्टर पेपर्स 18th, दैट इज़ द ट्यूजडे को ख़त्म हुए थे, एंड आई डिसाइडेड कि 19th को मैं जर्नी करूँगा फ्रॉम मुंबई टू नागपुर. नाउ वाइल द जर्नी बिगैन 19th को, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम पनवेल. आई हैड 3 बैग्स. फर्स्ट वॉज द शोल्डर बैग विच हैड लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, कूलिंग पैड एंड कंट्रोल. सेकेंड वॉज माई शू बैग जिसमें सारे शूज थे, एंड थर्ड वॉज माई बिग ट्रैवल बैग जिसमें सारे क्लॉथ्स थे. अब मैं जब पनवेल टू CSMT डायरेक्ट ट्रेन में चढ़ा, तो वॉट आई डिड वॉज कि थोड़ा रश हो गया था वहाँ पे, तो मैंने अपनी जो शोल्डर बैग थी जिसमें लैपटॉप था वो ऊपर ही रख दी ऑन द अपर शेल्फ, और बाकी के जो 2 बैग्स थे वो मेरे ही पास थे. सो जर्नी के दौरान मैं सारे सिनेमैटिक शॉट्स लेने में मेरा दिमाग उसमें था. जब CSMT आया तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, और रश के साथ ही मैं बाहर निकल गया, एंड आई डिड नॉट रियलाइज कि मेरी 3rd बैग जो है, जो मेरी लैपटॉप बैग है, वो ऊपर ही रह गई है. एंड मैं सिनेमैटिक शॉट्स मैंने फिर से लेना चालू कर दिया कि बिकॉज मुझे ट्रैवल लॉग में CSMT का बहुत सारा पोर्शन दिखाना था, द अटैक्स ऑफ 2611 जहाँ हुआ था CSMT में वो पार्ट दिखाना था, एंड ट्रेन्स, उनके सिनेमैटिक शॉट्स, बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी, और एंड मेरा दिमाग सब उसमें था. आई हैड माई फोन इन माई हैंड एंड अदर 2 बैग्स इन दी अदर हैंड, एंड मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मेरी जो तीसरी जो लैपटॉप बैग है, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैग टू मी, वो ट्रेन में ही छूट गई है. 2 घंटे बाद, 2 या 2.5 घंटे बाद, जब मैंने अपनी खुद की ट्रेन, विच इज विदर्भ एक्सप्रेस में, अपना सामान रखा, मैंने दोनों बैग रखे, तब मुझे लेट रियलाइजेशन हुआ कि 3rd बैग कहाँ है मेरी, एंड तब मुझे समझ में आया कि मेरी 3rd बैग ट्रेन में छूट गई है. एंड इतना भारी पैनिक अटैक मैंने आज तक कभी सहा ही नहीं था. आई वॉज ऑन दी प्लेटफॉर्म एंड मेरे पैरों में इतना गंदा शिवर हुआ कि मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ गया, एंड उसके बाद मैंने आई वॉज टोटली ब्लैंक, मैं कुछ नहीं कर पाया. मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली सीधा पापा को कॉल किया, तो ही सेड कि रेलवे पुलिस लाइन में कॉल कर, एंड वहाँ CSMT के पुलिस स्टेशन में जा, यू कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम देयर. बट इट वॉज ऑलरेडी 6:30 एंड मेरी ट्रेन 7 को छूटने वाली थी. नाउ व्हाट आई डिड वॉज कि मैंने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल किया, आई हैड अ टॉक विद देम, मैंने उनको सब बताया, एंड दे सेड कि आई विल कोऑर्डिनेट विद अनदर स्टेशन एंड शील लेट मी नो इफ दे फाइंड द बैग. बट आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स बिकॉज इट्स मुंबई, इन अ क्वांटिटी ऑफ मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं रोज लोकल ट्रेन्स में, और उसमें मेरी एक बैग छूटी थी जिसमें मेरा लैपटॉप था. इफ सम गाय फाइंड्स माय बैग, ही ओपन्स इट, ही विल फाइंड अ लैपटॉप एंड ही विल नॉट रिटर्न इट बिकॉज इट्स अ लैपटॉप, इट्स अ बिग प्रॉपर्टी, राइट? तो कोई भी रिटर्न नहीं करेगा. सो आई लॉस्ट ऑल होप्स बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरी बैग मुझे वापस मिलेगी. सो आई कमेंस्ड माई जर्नी फ्रॉम CSMT, एंड देन दादर पास हुआ, ठाणे पास हुआ. जस्ट ठाणे पास ही हुआ था कि डैड का कॉल आया. डैड ने पूछा कि तू कहाँ पे? सो आई सेड मैं ठाणे के थोड़ा आगे हूँ, निकल चुका हूँ. तो ही इज लाइक देयर इज अ गुड न्यूज, तेरी बैग मिल गई है. एंड आई वॉज लाइक, वॉट, किसको मिली, कैसे मिली? यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि
एक सिटी जहाँ पे इतने लोग रहते हैं, एक लोकल में हर दिन इतने लोग ट्रैवल करते हैं, उसमें एक लैपटॉप बैग मिलना जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कीमती चीज़ है, वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और वो हो गया था. मेरे डैड ने उनका नाम बताया, हिज नेम इज़ विजय शिंदे, एंड ही वॉज लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड टू मी, क्योंकि माई लैपटॉप वॉज माई एवरीथिंग. मैं उसमें वर्क करता था, मेरी एडिटिंग उसमें होती थी, सब कुछ इसमें होता था, पढ़ाई उसमें होती थी, एंड वो बहुत नया था. इट वॉज लाइक 6 months ओल्ड ओनली. सो ही वॉज लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड टू मी, एंड आई कॉल्ड हिम एंड आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच फॉर इट, थैंक यू सो मच. You don't know what you have done for me. Like this is the greatest thing that has happened to me. And मेरे डैड ने मुझे एक चीज बोली थी कि अगर तू किसी का बुरा नहीं करेगा तो तेरे साथ भी बुरा नहीं होगा. This was karma. मैंने किसी का बुरा नहीं किया था तो मेरे साथ भी बुरा नहीं हुआ था. मैंने किसी का अच्छा किया था इसलिए मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ. This was the reason why this travel log was converted into a vlog, because I wanted to share this experience with you all. This was totally a karma realization. आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा ही, एंड वो अच्छी चीज मुझे मिली. थैंक यू सो मच.